अच्छा चलो 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 जल्दी देर हो रही है ना फिर मसला है अस्सलाम वालेकुम नाजरीन मैं आपको हाउस मोहम्मद फहीम और आप देख रहे हैं पाकिस्तानी अमेरिकन व्लॉग्स आज हम आपको ऐसे लड़के से मिलवाते हैं जो साथ पढ़ता भी है बेलों का भी आज बेलों का भी काम करता है और ईद उल अज़ी का ईद उल भी आ रही है और साथ इन्होंने बैल भी रखे हुई हैं और साथ पढ़ाई भी कर रहा है और बहुत अच्छा नात ख़्वान भी है आए इनसे नात सुनते हैं और इनसे बात करते हैं अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम वालेकाम क्या नाम है आपका मुराद अली अली भाई आप पढ़ते नहीं हैं मैं पढ़ता हूँ जी नाइन्थ क्लास गवर्नमेंट स्कूल इस्लामिया में आपकी एज क्या है मेरी ऐज सतारह अठारह के करीब और क्या शौक रखे हैं आपने मैंने ये बेल, बेलों का शौक़ रखा है और इसके अलावा पढ़ाई का भी शौक़ है अभी कुछ 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 पढ़ाई तो ज़रूरी है जी कुछ कुछ ना होने चाहिए पढ़ाई ज़रूरी है जी जी पढ़ाई तो करता हूँ इन शिल से करता हूँ पर शौक जो है ना मेरा हो गई है तो अभी कितने बैल रखी हुई हैं और ईद भी है और कितने सेल कर चुके हैं ये जी बस तीन मामू के थे अच्छा। वो सेल किए हैं और इसके अलावा जो अभी एक रह गया जो जिसकी डिमांड चार लाख रुपए है अभी उधर एक मंडी में है मैं अभी सुल्तान भाई के कहने पर इधर आया हूँ अच्छा। और आपको इंटरव्यू देने इसके अलावा और कुछ भी नहीं बहुत बहुत शुक्रिया जी आप आज जो आज हमारे पास आए हैं एक देखने वाला ओके अली भाई आप नातवानी भी करते हैं जी बिल्कुल जी इसका भी मुझे बहुत शौक़ है ये हाफज कुरान बनने का मुझे बहुत शौक़ है दीनी बातें सुनना सुनाना उस पर अमल करना यह मुझे बहुत शौक है इस चीज़ का भी तो हिफज शुरू नहीं किया या बस कुरान जीत पढ़ा नहीं अभी तो मैं नाजरा पढ़ रहा हूँ तो हाफजी का भी इन अभी इसके बाद बड़ी ईद के बाद दाखला ले लूँगा ये पढ़ाई थोड़ी सी रहेगी ये मुकम्मल हो जाए तो इसके बाद आपसी का भी ज़रा उधर दाखला ले लूँगा उधर आपसी भी करनी है घर वालों का भी बहुत शौक है भाई यार आप आपसी कर लो नहीं आप इन शाला कीजिएगा एफज तो बहुत एफज तो बहुत ज़रूरी है अच्छी बात है हफज करना वालद साहब क्या करते हैं आपके मेरे वालद साहब रिक्शे चलाते हैं जी इधर अटक शहर में आप कितने भाई हैं हम दो भाई हैं और दो शीर हैं छोटी सही अच्छा अली भाई प्यारी से हमें नास सुनाए ठीक है जी सल्ला या अल्लाह

मदीने वालाए अनुगम विच जिस दे नाल मदीने वालाए मदीने वालाए रल दयो दे नाल नी कोई उ मिसल मिसाल नी कोई दोाल नी कोई उिसल मिसाल नी कोई बसि मिसाल मदी न वाल आहे मदी न لج ए लजपाल लजपाल मदी न वाला ए, मदीने वाला ए मदीने वाला अनुगम विच जिस दे नाल मदीने वाला ਮਦੀਨੇ ਵਾਲਾ ਏ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨੂੰ ਰੰਗੀਏ ਜੇ ਹਸਨੈਨ ਦਾ ਸਦਕਾ ਮੰਗੀਏ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨੂੰ ਰੰਗੀਏ ਜੇ ਹਸਨੈਨ ਦਾ ਸਦਕਾ ਮੰਗੀਏ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਮਾ ਲਾ ਮਾਲ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲਾ ਏ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲਾ ਏ ਲਜਪਾਲਾਂ ਦਾ लजपाल मदीनेदी मदीने माशा जी अली भाई की बहुत प्यारी आवाज़ है इन्होंने हमें ना सुनाई इनका बहुत मशहूर हूँ कि मंडी से हमें एक एक कहने के हमारे पास आए हैं इनका बहुत बहुत शुक्रिया अली भाई और कुछ कहना चाहते हैं नहीं जी बस आपकी दुआएं हमारे साथ होनी चाहिए और क्या हमने आपसे मांगना है बहुत बहुत शुक्रिया अच्छा जी तो नाजरीन अली भाई आ, हमारे लिए टाइम निकाला मवेशी मंडी में थे इन्हें एक कॉल की तो ये हमारे पास आए इनका बहुत बहुत, बहुत शुक्रिया और हमारी तरफ से इनको छोटा सा तोहफा अली भाई ये हमारे लिए हमारी तरफ़ से छोटा सा तोहफा आपको कबूल हो शुक्रिया जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी तो नाजरीन अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक करें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा ताकि मेरी हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके दुआ में याद रखें अपने होस् मोहम्मद फ़हीम को अल्लाह हाफिज़